की जा रही है, क्या कुछ कहा जा रहा है जरा सुनिए। एक एक व्यक्ति ने, भले पुलिस की ट्रैफिक व्यवस्था हो, पुलिस के लिए लोगों को एम्बुलेंस से तात्कालिक हॉस्पिटल पहुंचाने की व्यवस्था हो, बाहर के लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था हो, तमाम बाबतों में मोरबी के पब्लिक ने हमारा एक खूब बड़ा हमारा मदद किया है। हम इस मौके ऊपर मोरबी की पब्लिक का भी हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। आपको पता है कि जो फास्ट रेस्पॉन्स हुआ है उसमें पुलिस द्वारा जो पूरी कार्रवाई हुई है उसमें लगभग तुरंत एक्शन लेते हुए चार जिलाओं से, राजकोट, जामनगर, सुरेंद्रनगर, कच्छ और आजूबाजू के जिलाओं से 100 के आसपास एम्बुलेंस, 40 से ज़्यादा मेडिकल टीमें और अलग अलग प्रकार की जो राहत की सामग्री, राहत की कामगिरी के अंदर जो टीमें जुड़ी गई हैं उसमें 2 टीम NDRF की हैं, 2 टीम SDRF की हैं, 6 कॉलम आर्मी के हैं, 30 कॉलम गरुड़ कमांडो एयरफोर्स के हैं, 50 नेवी के जवान हैं, 18 बोट और लगभग 180 फायर सर्विसेज के कर्मचारी अधिकारी अपनी साधन सामग्री साथ तैनात रहे थे। साथ साथ मोरबी पुलिस और गुजरात पुलिस के लगभग 1500 से 2000 लोग, कर्मचारियों, वहीवटी तंत्रना कर्मचारियों और 24 कलाकनी आखी जहमत खूब ज एक टीम तरीके कामगिरी करी अने तमाम जे लोगोने दुखद अवसान थयेलो हतो ए तमाम ने तात्कालिक एने बहार काढवामां आवेल हता अने खूब ज फास्ट रीते आ कामगिरी पूरी करवामां आवेल हती। आपके लिए जो कल FIR दाखिल की गई थी उसमें आज हमने 9 लोगों को अरेस्ट किया है। ये 9 लोग कल हमने जो FIR की थी उसके अंदर 304, 308 और 114 की जो धाराएं हैं उसके तहत हमने दाखिल की थी, उसमें से जो 9 लोग अरेस्ट किए गए हैं उनकी जो पूरी विगत है उसमें से दीपक भाई नवीन चंद्र भाई पारेख एज 44 ओरिवा कंपनी का मैनेजर है, दूसरा दिनेश भाई मनसुख भाई दवे ये पण ओरिवा कंपनी के अंदर मैनेजर है, तीसरा मनसुख भाई वालजी भाई टोपिया एज 59 ये टिकट क्लर्क का काम करते हैं, चौथा मदर भाई लाखा भाई सोलंकी ये भी वहाँ टिकट क्लर्क का काम करते हैं। इसके साथ साथ जो इस पूरी जो रिपेयरिंग की काम हुई उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर का काम करते थे उसमें से 2 लोग धांगद्रा के हैं जिनका नाम है प्रकाश भाई लालजी भाई परमार, ये ब्रिज रिपेयरिंग कॉन्ट्रैक्टर हैं, दूसरा देवांग भाई प्रकाश भाई परमार एज 31 ये दोनों ब्रिज के कॉन्ट्रैक्ट के रिपेयर करने काम करते हैं। साथ साथ इस अखी टीम के अलावा 3 ऐसे लोग भी हैं जो पूरी नेग्लिजेंट एक्ट जिसमें लोगों को रेगुलेट करना होता है, ज़्यादा लोगों को निकालने का काम होता है, ज़्यादा लोग वहाँ की स्ट्रेंथ से बाहर नहीं निकले, तो इस तरह की जो सिक्योरिटी गार्ड थे ये 3 लोगों को उसमें अरेस्ट किया गया है। तो टोटल हमने आज 9 लोगों को कोविड टेस्ट कराने के बाद इनको अरेस्ट किया गया है। दूसरा अशोक जी प्लीज आप नजर अंदाज नहीं कर सकते। लेट मी स्पीक। रही बात इसमें जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है, आज इन्वेस्टिगेशन का दूसरा दिन है, हमारी इसमें पूरी टीम अधिकारियों की, 50 कर्मचारियों की टीम, FSL, फॉरेंसिक साइंस, इन तमाम टीमों को इस काम के लगाया गया है। इसमें जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा, जैसे जैसे प्रोग्रेस होगा, इसमें और आरोपियों के नाम खुलते जाएंगे,
तो पुलिस द्वारा उन देखो इसमें इसमें किसी को ऐसे एलिगेशन करना पूरे इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट नहीं होता है। इन्वेस्टिगेशन एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है। इसमें जैसे 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 इसका नाम खुलता जाएगा पुलिस उसकी धरपकड़ करती जाएगी और किसी भी व्यक्ति को किसी भी कंडीशन छोड़ने का पुलिस का कोई इरादा नहीं है। गुजरात सरकार और हमारा भी प्रयास ये है कि इस पूरी प्रक्रिया के अंदर एक सख्त दाखला बैठे। इसके तहत हमने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की रचना की है जिससे कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी अवकाश नहीं मिले और पूरी इन्वेस्टिगेशन और मैंने आपको पहले बताया है जो पूरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर जिन लोगों का प्राथमिक तबके इनका रोल आया है उनको पुलिस ने अरेस्ट किया है। अभी पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन इसमें जिसकी जिसकी जवाबदारी बनेगी उसके विरुद्ध में पुलिस द्वारा भविष्य के अंदर जैसे जैसे स्टेटमेंट आएंगे एविडेंस इकट्ठे होंगे पुलिस द्वारा पकड़ा लिया जाएगा। अशोक जी सर आपको देश सुन रहा है अशोक जी 130 लोगों की जिंदगी चली गई है सर जवाब मांग रहे हैं मरम्मत करने वालों का क्या आपके जितने भी क्वेरी वगैरह है।